वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। मैं हूँ आपकी विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक या एक ऐसा यूजफुल फंडा बोल सकते हो आप। कभी कभी क्या होता है, हम बिल्कुल रेडी हो गए, रेडी होने के बाद जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे जल्दी से इस एज में ग्रे हेयर्स होना। तो मेरे भी हैं, आपको शायद वीडियोज़ में दिखते भी होंगे। बट कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये एरिया किसी किसी के ना बाल की बनावट, आप देखो मेरा ये ऐसा है, किसी किसी के हेयर्स का कट या आप ग्रोथ ऐसे कह सकते हो कि यहाँ थोड़ा खाली होता है, ग्रे हेयर होते हैं। ग्रे हेयर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। पता नहीं, छोटे छोटे बच्चों के भी बाल ग्रे हो रहे हैं। तो जब हम कभी कभी रेडी हो जाते हैं, और हर कोई टच कैसे बताऊँ, हर कोई बालों में ज़रूरी नहीं कि हाईलाइट करवा ले या फिर हर कोई कलर करे, क्योंकि कलर वगैरह की भी ना अपनी एज है। बहुत जल्दी अगर आप कलर करने लगते हो ना तो बाल बहुत जल्दी जल्दी से फिर कलर मांगते हैं। तो जल्दी जल्दी कलर नहीं करना है। छोटे छोटे ट्रिक होते हैं जो यूज़ करने चाहिए। मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं खुद रेडी हो गई वीडियो के लिए, रेडी हो गई आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास आना है, वीडियो बनाना है, मैं रेडी हो गई, या मैं कहीं जा रही हूँ और अचानक से लगता है ओ माय गॉड माय हेयर वाइट हेयर्स दिख रहे, बाप रे सफ़ेद बाल तो दिख रहे हैं, बहुत गंदा लगता है। उसके लिए पता क्या करना है, आपको बहुत परेशान नहीं होना है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपके पास कोई कॉन्टूर है, ब्रॉन्जर है, मेरे पास है, और ऑब्वियसली बात है हर किसी के पास आज के टाइम पे एक कॉन्टूर होता ही होता है, तो इसको लो आप, मेरे पास ये है। और इसको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, आप एक कोई ब्रश ले लो, और ब्रश भी मेकअप का ब्रश तो आज के टाइम पे होता ही होता है। आप इसको इसमें लगाओ, देखो मैं दिखाती हूँ, इसको ऐसे, फिर थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा होता है रिमूव कर दो उसको। उसके बाद जो ये बाल होते हैं ना, आप देखोगे ना थोड़ी डार्कनेस दिखेगी। देखो ऐसे आप दो तीन बार कर लोगे ताकि जो व्हाइट हेयर्स है ना वो भी नहीं दिखेंगे। देखो मैं दिखा रही हूँ, देखो आपको मेरे ना बहुत ये थोड़ा सा ओपन सा दिख रहा था, काली काली ना, ये आपके जो व्हाइट हेयर होंगे ना उनको थोड़ा सा ढक देगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सेकेंड है, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप चाहते हो ना कि कैसे इसको छुपा लूँ, अगर आपके पास ब्रॉन्जर या कॉन्टूर नहीं है, आप बहुत मेकअप के शौकीन नहीं हो, बट कितना भी मेकअप का शौकीन नहीं होगा ना, व्हाइट हेयर्स ग्रे हेयर्स तो हर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इतना तो मेकअप करते होगे कि आपके पास मस्कारा होगा। आप मस्कारा उठाओ, मेरे पास मस्कारा यहाँ पे है, मस्कारा को अंदर बिल्कुल रिमूव कर दो, ठीक है, और बिल्कुल होना नहीं चाहिए इसमें ज़्यादा, बहुत कम, ठीक है। जहाँ भी आपको व्हाइट हेयर दिख रहे हो ना, देखो दिख रहे हैं, देखो मैंने यहाँ नहीं किया है, नीचे रह गया, और बाल की डायरेक्शन निकलना, डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई मत करना, ठीक है। अब देखो मैं दिखाती हूँ, इसके बाद जो ब्रश था ना उसी ब्रश से इसको देखो, पहले मेरा बाल कैसे था, खाली खाली सा दिख रहा था ना, अब देखो मेरे ब्लैक बाल भी छुप गए, व्हाइट बाल भी सारे छुप गए जो एक दो दिख रहे थे। एंड उसके बाद देखो, ये बहुत यूजफुल ट्रिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा, देखो आप अब नहीं दिखेगा, मैंने यहाँ नहीं लगाया, मेरे व्हाइट हेयर दिख रहे हैं, मैंने यहाँ लगा लिया, मेरे ग्रे हेयर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो आप अगर फटाफट रेडी हो, आपको कहीं जाना है, ग्रे हेयर विजिबल हो रहे हैं, तो अगर आपके पास ब्रॉन्जर कॉन्टोर कुछ भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि गीला है और थोड़ा सा छूट सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा आपका जो कॉम्पैक्ट होता है बहुत लाइट से मिला के हल्का सा, उसके बाद हाथों से करके या ब्रश से करके, आप हाथों से भी लगा लो बट लास्ट में उसको एक ब्रश से जरूर फैला लिया करो, क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा रह जाएगा ना, बाई चांस पसीना आता है या कुछ भी स्वेट तो फैल सकता है, ठीक है। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास मस्कारा तो होगा ही होगा, आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ ये ट्रिक आप करके देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, काफ़ी यूजफुल लगेगी। और चलिए, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।